तो कैसे हो भाई साहब? मिणमिराज आप सभी लोग देख रहे हैं डिगी भाई साहब। अभी के दौर में OTT ऐप्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि सभी लोग OTT ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली जब से लॉकडाउन का टाइम चला था उस टाइम के बाद से OTT के सब्सक्राइबर्स के नंबर में जैसे यहाँ पर आग लगी, मतलब बाढ़ सा आ गया हो। तो ऐसे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं OTT ऐप्स के बारे में। इंडिया में सबसे टॉप OTT ऐप्स कौन से हैं, जिसमें हम पेड ऐप्स एंड फ्री ऐप्स दोनों के बारे में बात करेंगे और कुछ जुगाड़ के बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे में आप वीडियो को आखिर तक देखते रहो। चैनल पर अगर नए हो, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो ऐसे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचता रहे। सो गाइस, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर बेस्ट OTT ऐप का नाम बताओ, तो आपके मुंह से कहीं ना कहीं ये निकलेगा कि भैया जी बेस्ट OTT ऐप्स यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये है। लेकिन इंडिया में वो दोनों में से कोई भी नंबर वन नहीं है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है वो है Disney+ Hotstar के पास। आपको पता होगा Disney+ Hotstar में आपको बहुत सारे टीवी शोज, स्पेशली स्टार के जितने भी टीवी शोज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं टाइम से पहले। और उसके बाद आपको वहां पर बहुत सारे मूवीज और उनका हॉटस्टार स्पेशल वाला जो कंटेंट है जो वो खुद से क्रिएट करते हैं, वेब सीरीज वगैरह, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और हॉटस्टार और डिज्नी का जब से यहाँ पर मर्ज हुआ उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा उनका कंटेंट यहाँ पर बढ़ चुका है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर नंबर्स क्या इन्हीं कारणों की वजह से है? जी नहीं, हॉटस्टार के पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इसलिए है क्योंकि उनके पास क्रिकेट मैचेस का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है और स्पेशली उनके पास इतने दिनों तक IPL का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स था, और जिसके वजह से सभी लोगों ने यहां पर हॉटस्टार को सब्सक्राइब किया क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था IPL मैचेस देखने के लिए। तो ऐसे में हॉटस्टार के पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स फिलहाल है। तो हॉटस्टार के प्लान्स वगैरह आप सभी लोग जानते हो, 499 में आपको मोबाइल वाला प्लान मिल जाता है, 899 में आपको मोबाइल प्लस आप लैपटॉप में और उनका टीवी में यूज़ कर सकते हो उनका सुपर प्लान मिल जाता है, और 1499 में उनका प्रीमियम प्लान मिल जाता है। फिलहाल हॉटस्टार के पास जो सब्सक्राइबर बेस है वो है 4.92 करोड़ के अप्रॉक्स, ये मैं इंटरनेट के सोर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो करीबन 4.92 करोड़ यहाँ पर उनका सब्सक्राइबर है, करीब करीब 5 करोड़ के आसपास। अब OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करने से आपको पैसे तो नहीं देना है लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पर रिवार्ड्स मिले? तो ये हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ग्रोफिटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करने से आपको यहाँ पर रिवार्ड्स मिलते हैं। अब ग्रोफिटर लेके आया है इंडियाज फिटेस्ट स्टेट चैलेंज, जिसमें आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करके खुद को 1 करोड़ तक के प्राइजेस जीत सकते हो। इतना ही नहीं, इस ऐप का इस्तेमाल करने से आप यहाँ पर मैकबुक, इलेक्ट्रिक बाइक और बहुत सारे गिफ्ट्स जीत सकते हो। ग्रोफिटर बड़ा ही कमाल का एप्लीकेशन है। मैंने खुद को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इंडियाज फिटेस्ट स्टेट चैलेंज, जहाँ पर जो भी स्टेट जीतेगा उनको यहाँ पर 25 लाख का यहाँ पर कैश वाउचर प्राइज मिलेगा। तो ऐसे में ग्रोफिटर ऐप को आपको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसके थ्रू से आप डाउनलोड कर लो। हमारा रेफरल कोड यहाँ पर जरूर यूज करना क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो ऐसे में आप ग्रोफिटर का इस्तेमाल करो और इंडियाज फिटेस्ट स्टेट चैलेंज में पार्टिसिपेट करो और ढेर सारे रिवार्ड जीतो। उसके बाद बारी है अमेजॉन प्राइम के, जिसके पास 2.1 करोड़ सब्सक्राइबर नंबर है। अब अमेजॉन प्राइम का कारण यहाँ पर बहुत सारा है। अब अमेजॉन का जो है वो ओनली वीडियोस के वजह से उनका अमेजॉन प्राइम का कस्टमर्स नहीं है, उनका अमेजॉन प्राइम म्यूजिक की वजह से भी है, उनका अमेजॉन प्राइम शॉपिंग ऐप के वजह से भी है। तो ऐसे करके उनका टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो प्राइम मेंबर्स है वो है 2.1 करोड़, जो कि सेकेंड नंबर पर है इंडिया में। उसके बाद है सोनी लिप। अब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आता कि सोनी लिप के पास फिलहाल 1.2 करोड़ है और ये तीसरे नंबर पे है। तो ऐसे में सोनी लिप के पास सब्सक्राइबर रहने का एकमात्र कारण है स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, वो भी लाइव स्पोर्ट्स दिखाते हैं। और अगर हॉटस्टार के बाद किसी के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है किसी भी लाइव स्पोर्ट्स का तो वो है सोनी टीवी के पास, यानी कि सोनी लिप के पास। तो ऐसे में फुटबॉल मैचेस वगैरह मैक्सिमम मैचेस आपको सोनी लिप पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप सोनी लिप के थ्रू से यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स देखते हो
तो आपको पता होना चाहिए जब जब कोई भी मैच यहाँ पर सोनी लिव में दिखाया जाता है तो उसका फ्री टेलीकास्ट यहाँ पर जियो टीवी में दिखाया जाता है। तो वैसे में सोनी लिव का कंटेंट तो आप फ्री में देख ही सकते हो, 1.2 करोड़ लोगों ने क्यों सब्सक्राइब करके रखा है नहीं पता। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्टेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर सोनी टीवी के जितने भी शोज वगैरह हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, वेब सीरीज भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे फेमस वेब सीरीज है, जैसे यहाँ पर स्कैम 1992, जिसके वजह से बहुत से लोगों ने यहाँ पर सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लिया था, स्पेशली मैंने भी लिया था। तो मैंने एक महीने का प्लान लिया था, वो भी फ्री वाले मेथड से, मैंने उसका वीडियो भी बना के रखा, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। तो ऐसे में क्या है कि सोनी लिव यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है और उसके पास भी बहुत सारे लाइव स्पोर्ट्स के यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, जिस वजह से उनके पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बाद है भाई साहब G5। अब देखो G5 जो है ना, ये बहुत कम पैसे से इन्होंने स्टार्ट किया था सब्सक्रिप्शन अपना, तो G5 के पास फिलहाल 0.75 करोड़ के आसपास यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसे में G5 पे आपको बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जी के शोज मिल जाते हैं, जी टीवी के जितने भी शोज हैं, मतलब जी के चैनल्स के जितने भी कंटेंट्स हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे मूवीज देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर कुछ डायरेक्टली जो OTT रिलीज मूवीज हैं वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि G5 पे बहुत सारे फेमस वेब सीरीज हैं और सब्सक्रिप्शन के मामले में बहुत सस्ता वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। अभी थोड़ा सा प्राइस उनका बढ़ा हुआ है, करीबन 600 के आसपास वो कर दिए, पहले वो 400 में एक साल का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देते थे। तो ऐसे में चौथे नंबर पर आता है G5, जिसके पास है 0.75 करोड़ सब्सक्राइबर्स और आप G5 ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे, आपको फ्लिपकार्ट सुपरकॉइन का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर फ्री से ले सकोगे G5। सो भाई साहब अब बारी है नेटफ्लिक्स की। अब नेटफ्लिक्स क्या है, सभी लोग जानते हैं कि ये सबसे बड़ा OTT ऐप है, तो ऐसे में इंडिया में ये 5वें नंबर पे आता है। इनके पास जो सब्सक्राइबर बेस है वो है 0.55 करोड़ और सब्सक्राइबर कम होने का रीजन यहाँ पर ये है कि इनके पास इंडियन कॉन्टेंट्स उतना ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर इनका जो प्लान्स हैं वो सभी से महंगा है। फिर भी अभी 149 रुपये पर महीने का ये अफोर्डेबल रेट यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये और भी कम करेंगे, अदरवाइज इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि लोग नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं इतना पैसा देके। सो गाइस, ये थे इंडिया के टॉप 5 पेड OTT ऐप्स। इसके बाद और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे वूट हो गया, अल्ट वाला जी हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करना उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनके कंटेंट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री OTT ऐप्स के बारे में। नंबर 1 पे जो ऐप आता है वो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट MX प्लेयर। और अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करी जाए तो फिलहाल उनके पास एक्टिव यूजर्स 2.8 करोड़ है और अगर आप देखा जाए तो ये सेकेंड नंबर का ऐप है भाई साहब बिकॉज ऑफ द फ्री। तो ऐसे में MX प्लेयर पे आपको बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे TV शोज, इनका खुद का कंटेंट, वेब सीरीज वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एड्स दिखाए जाते हैं और आपको पूरे कंटेंट फ्री में दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन MX प्लेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए। इसके बाद जो एप्लीकेशन आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वूट ऐप पे बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप उसका प्रीमियम लेने जाओगे तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसे में फ्री देखो, पेड़ यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अल्ट वाला जी और वूट के कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जियो सिनेमा एप्लीकेशन में। अब हम बात करते हैं जियो सिनेमा एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत सारे मूवीज और यहाँ पर बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अल्ट वाला जी, वूट चैलेंज का कॉन्टेंट भी आपको देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे ऐप्स के यहाँ पर कॉन्टेंट आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देखना पसंद करोगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको वैसा नहीं मिलेगा प्रीमियम वाला, लेकिन जियो सिनेमा वो एप्लीकेशन है जहां पर आपको इस साल और आने वाले 4 साल के IPL देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जियो सिनेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है और फिलहाल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी लोगों के लिए, सभी कस्टमर्स के लिए जियो सिनेमा फ्री है। तो ऐसे में अगर आप जियो के कस्टमर हो या फिर एयरटेल के हो, VI के हो, BSNL के हो, कोई भी कस्टमर हो, यहाँ पर जियो सिनेमा का फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आप सभी लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट देखा है जियो सिनेमा एप्लीकेशन में। ये इसका जीता जागता सबूत है। इसके बाद आप सभी लोग अगर लाइव TV देखना पसंद करते
करते हो, तो वैसे में यहाँ पर आप जियो टीवी इस्तेमाल कर सकते हो। जियो टीवी में आपको बहुत सारे कॉन्टेंट्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली सभी टीवी चैनल्स देखने को आपको वहाँ पर लाइव मिल जाते हैं और बहुत सारे लाइव स्पोर्ट्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया में जो फ्री ऐप्स और पेड ऐप्स है वो कुछ इस प्रकार है, आप सभी लोग जानते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ जुगाड़ में यहाँ पर मिल जाए जहाँ पर आपको फ्री पेड दोनों मिल जाए, तो वैसे में वो क्या करना पता है, आपको यहाँ पर गूगल में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है बुलबुल नेपाल, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है फ्री ऐप टू वॉच मूवीज एंड वेब सीरीज वगैरह वगैरह, या फिर आप वहाँ पर आर्टिकल आपको डेडिकेटेड वाला मिल जाएगा। तो वैसे में आप उस आर्टिकल के थ्रू से आपको जुगाड़ वाला मेथड भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बिना कुछ खर्च किए। तो ऐसे में इस प्रकार से हम इंडिया में जो बेस्ट एप्लीकेशन है OTT ऐप्स वो आपको बता दिए, फ्री वाला भी आपको बता दिए। तो ऐसे में आप मूवीज एंड वेब सीरीज फ्री भी देख सकते हो, पैसे देके भी देख सकते हो। अब आपके पास जैसा माल कोड़ी है उस हिसाब से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता तो एक लाइक जरूर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। सो गाइज, मिलता हूँ आपको फ्रेश नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।